सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेनरॉन टेक को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम है सुनील मालविया और आज हम बहुत ही खास बात करेंगे और वो है कि किस तरह से आप अपने घर बैठकर, चाहे तो अपने ऑफिस में भी काम कर सकते हैं, बट एक ऐसा काम जो बहुत ही आसान है कि आप घर बैठे वो काम करें और बहुत सारे पैसे कमा पाए। और ये आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे खासे लाखों रुपए कमा रहे हैं, मतलब महीने के 1 लाख 2 लाख आपके सीधे हाथों में आ जाए और वो भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। सो आज हम बात कर रहे हैं YouTube एज अ करियर की। अगर आप YouTube तो आपने मेरे हिसाब से सुना होगा, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है, गूगल की तरफ से है ये वेबसाइट। यहाँ पे आप बहुत सारे अनगिनत वीडियोस देख सकते हैं। सो ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे अनगिनत वीडियोस होते हैं, लोग जाकर देखते हैं, बट वही जगह पर आप पैसे भी कमा सकते हैं। बट ये कैसे होता है और कैसे आप पैसे कमाते हैं उसके बारे में मैं आज थोड़ी सी रोशनी डालूंगा और थोड़ी सी डिटेल में आपको ये वीडियो डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि किस तरह से YouTube के ऊपर आप पैसे कमा सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे पैसे कमाते हैं YouTube के ऊपर। तो सिंपल सा फंडा है, YouTube पर जब आप यूज करते हैं, YouTube आपने अगर देखा होगा YouTube पे, तो YouTube को एक्सेस करते वक्त जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो आपने देखा होगा एक एडवर्टीजमेंट आती है YouTube के ऊपर। जब आप YouTube का वीडियो शुरू करते हैं तब शुरुआत में एक वीडियो आती है, उस पर कभी कभी स्किप बटन भी होता है कि स्किप बटन करके आप चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो वो एक एडवर्टीजमेंट है जो YouTube चलाता है और बहुत सारे एडवर्टाइजर्स होते हैं जो YouTube को पैसा देते हैं ये एडवर्टाइजिंग चलाने के लिए। बट साथ ही साथ YouTube क्या है कि YouTube खुद वीडियो कंटेंट्स डालता नहीं है बिकॉज इतना समय YouTube के पास है नहीं। तो होता यह है कि हम जैसे जो यूजर्स हैं, जैसे मैं हो गया, जैसे आप अभी जो मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपको इस वीडियो के शुरुआत में अगर कोई एडवर्टीजमेंट आई होगी तो क्या होता है कि हम जब कोई वीडियोस बनाते हैं, मतलब कोई यूजर जब वीडियो बनाता है तो YouTube क्या करता है, थोड़ा सा पैसा उन क्रिएटर्स को भी देता है। जैसे मुझे, मैं क्रिएटर हूँ, मैंने ये वीडियो बनाया है, मुझे ये वीडियो YouTube के ऊपर डालना है, बट YouTube वाला कहता है कि आप वीडियो डाल दीजिए, हम इसके बदले आपको पैसे भी देंगे। तो ये क्या हो गया कि ये एक आपका काम हो गया, ये एक आपका करियर हो गया जहां पे आपको सिर्फ वीडियोस बनाने हैं, YouTube के ऊपर डालने हैं और YouTube वाला अपनी एड उनके ऊपर दिखाएगा और जो भी पैसे वो पब्लिशर से लेता है, एडवर्टाइजर से लेता है, उनमें से थोड़े पैसे वो क्रिएटर्स को भी दे देगा, यानी कि आपको दे देगा। अब यहां पर बात आती है कि आपने सोच लिया होगा यार कि बड़ा आसान है, वीडियो शूट कर लेते हैं, डाल देते हैं YouTube के ऊपर, पैसे आना शुरू हो जाएंगे, बट ऐसी बात नहीं है। YouTube क्या कहता है, बहुत सारी सर्टन पॉलिसीज है YouTube की कि आप वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, बट वो वीडियो ऐसा होना चाहिए जो YouTube को कुछ कंट्रीब्यूट करे। कंट्रीब्यूट करने का मतलब है कि आप कोई भी वाहियात सा या हल्का सा वीडियो बनाकर आप नहीं डाल सकते हैं YouTube के ऊपर। YouTube के ऊपर वीडियो वही होना चाहिए जो कुछ उसको एक लॉयल्टी दे, मतलब एक ऐसी कमाई होनी चाहिए वो YouTube की कि वो वीडियो वहां पर है, यानी कि YouTube की शान है वो। जैसे कि बहुत सारे कॉमेडी वीडियोज आपने देखे होंगे, बहुत सारे न्यूज चैनल्स आपने देखे होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक वीडियोज बनाते हैं, मोबाइल की अनबॉक्सिंग की वीडियोज बनाते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज देते हैं, मशीन्स की नॉलेज देते हैं, ऐसे वीडियोज जो है वो काम आते हैं YouTube के ऊपर। बिकॉज जो यूजर्स है, जो दुनिया की जो पब्लिक है, उनको ये सब देखने में ज्यादा मजा आता है। कोई भी अजीब से वीडियोस आप नहीं डाल सकते, जैसे गाली गलौज करके आपने वीडियो डाल दिया, या किसी का खून होते हुए आप दिखा रहे हो वो वीडियो आपने डाल दिया, या आपने किसी के गाने चुरा के डाल दिए। जैसे जो बड़ी बड़ी फिल्म्स है, बहुत से लोग मैंने देखा ये भी करते हैं कि फिल्म से गाने निकालते हैं कट करके और YouTube के ऊपर अपलोड कर देता है, ये सोचकर कि शायद थोड़ा बहुत पैसा कमाने मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता। बिकॉज ये कॉन्ट्रीब्यूशन, ये मेहनत किसी और की है जो फिल्म पर काम की गई है, और उसके काम का जो श्रेय है वो उसी को मिलना चाहिए। आप उसका गाना चुरा कर आप अपने चैनल पर नहीं डाल सकते। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप अर्निंग नहीं कर सकते। अगर आपको अर्निंग करनी है, पैसे कमाने हैं YouTube के ऊपर, तो आपके पास एक अच्छा जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए, एक रियल कंटेंट होना चाहिए, आपका खुद का बनाया हुआ होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए आपकी उसमें,
तब जाके आप वो वीडियो YouTube पे डाले और YouTube उसके लिए आपको पैसे देगा और पैसे भी अच्छे खासे देता है यार। अब मैंने आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स ये भी बता दी थी कि कौन कौन से प्रकार के YouTube वीडियोस आप नहीं डाल सकते। तो जैसे मैंने बताया फिल्म के गाने हो गए, या बाहुबली देखा था मैंने, बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट्स कट कर करके डाले थे, वो सब आप नहीं डाल सकते। मतलब मोस्ट फेमस फिल्म्स के शॉर्ट्स आप कट करके नहीं डाल सकते। आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब वाला नहीं लेगा, आप डाल सकते हैं, चला भी जाएगा, बट यूट्यूब उसके ऊपर आपको पैसे नहीं देगा। वो दिखाएगा जरूर, पैसे आपको नहीं मिलेंगे उसके। आप किसी की चुराई हुई चीज नहीं डाल सकते हैं, जैसे कि किसी और ने कुछ बनाया था, वही आपने कॉपी कर दिया है और वही आपने अपने अपने चैनल पे अपलोड अपने कर दिया, ये आप नहीं डाल सकते हैं। और जैसे कि हो गया कि जो वॉयलेंट वाली चीजें हैं, गाली गलौज, किसी को मारना चिल्लाना, ये वाली चीजें आप नहीं डाल सकते हैं। एक्सीडेंट्स जो आपने देखा है वो आप नहीं डाल सकते। एक्सीडेंट्स के बहुत सारे वीडियोस बना के लोग डाल देते हैं, ये सब आप नहीं डाल सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, किसी की आवाज कॉपी करके आप नहीं डाल सकते हैं। ये इन सबके राइट्स होते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो यूट्यूब वाला एक्सेप्ट नहीं करता। आपको अपना एक रियल कंटेंट डालना है। जैसे अब इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के जरिए, अगर इस वीडियो के बीच अगर मैं एक गाना डाल दूँ या किसी का वीडियो चुरा कर मैं अपने इसमें मिक्स कर दूँ, तो मेरे इस वीडियो के ऊपर कोई अर्निंग नहीं आएगी। सो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि किस तरह से यूट्यूब वीडियोज बनाने हैं और किस तरह से कमाने हैं। सो थोड़ा सीख लीजिए, बहुत आसान है यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनाना, चीजों के बारे में डिस्क्राइब करना, बताना। बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब के ऊपर जो लोग करते हैं, क्या क्या करते हैं उनकी लिस्ट में अलग से बनाऊंगा, उनका वीडियो चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। अभी तो नहीं मैं बनाऊंगा, कुछ दिनों में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट जो है वो लेकर आ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जो बहुत फेमस होता है। और यस, वो ऐसा कंटेंट है जहां पे उसके ऊपर आप पैसे भी कमा सकते हैं। सो क्या क्या कंटेंट होगा वो सब मैं आपको डिस्क्राइब करके एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। सो ये हो गया यूट्यूब के ऊपर कि किस तरह से यूट्यूब के ऊपर पैसे कमाए, कौन से वीडियो डाले कौन से नहीं डाले। अब कितना आप कमा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, कि कितने वीडियोस के ऊपर आप कितने कमा ले, उसके बारे में अगर थोड़ी सी रोशनी डालूं तो जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उनके व्यूज होते हैं, मतलब नंबर ऑफ व्यूज के, आपका जो वो वीडियो है वो कितनी बार देखा गया है। अब यहाँ पे ये होता है कि जो व्यूज होते हैं वो आपके काउंट होते हैं आपके पैसों के साथ। जैसे अगर एक रैंडम अगर आप एक समझे, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, बिकॉज हर किसी के चैनल पे अलग अलग पैसे अर्न होते हैं वीडियो के व्यूज के मुताबिक। जैसे अगर मैं एक नॉर्मल यूजेज, मतलब मोस्ट ऑफ लोगों के व्यूज के मुताबिक जो पैसे आते हैं वो ऐसा है कि 4,000 व्यूज पे $1 आपको मिलता है। बहुत से लोगों ने वीडियो डाली है कि 1,000 व्यू पे $1 मिलता है, बट ऐसा नहीं है। हर जगह पे डिफर करता है ये। जैसे मेरे चैनल पर अगर एक एवरेज आप निकाले तो 4,000 व्यूज पे $1 की अर्निंग होती है। और कुछ मेरे ऐसे वीडियोज है जहाँ पे 7,000 व्यूज हुए हैं और अर्निंग $16 के आसपास है, बट एक एवरेज आप पकड़ लीजिए तो 4,000 के ऊपर $1 आपकी अर्निंग है। इस तरह से ये काम करता है। अब यहाँ पर भी जो अर्निंग है वो डिफर करती है वीडियोस टू वीडियोस के ऊपर। जैसे अगर आप कहीं घूमने चले गए शॉपिंग मॉल में और वहां का आपने वीडियो डाला है तो अर्निंग आपकी बहुत कम होगी, शायद आपकी 10,000 पे $2 की अर्निंग होगी, मतलब 10,000 व्यूज होंगे उस वीडियो के तो जाके आपको $2 मिलेंगे। बट कुछ ऐसी चीजें भी है जहां पे कुछ खास वीडियोज है, जैसे कि समझ लीजिए मैंने बनाया है किसी किसी प्रोडक्ट के बारे में मैंने कुछ बताया है, जैसे कोई सैमसंग का प्रोडक्ट है, कोई कूलर है, कोई मोबाइल फोन है, तो उसके व्यूज पे मुझे ज्यादा अर्निंग मिलेगी। या मैंने कुछ इंस्टॉलेशन के बारे में बताया, जैसे मेरा एक वीडियो है आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि किस तरह से लैपटॉप का स्क्रीन गार्ड आप लगा सकते हैं, तो उसका व्यूज पे मुझे ज्यादा डॉलर्स मिले हैं। वीडियोस पे भी डिफर करता है कि आप किस प्रकार की वीडियोस डालें। और उन वीडियोस पे ज्यादा अर्निंग होती है जिनकी एड्स चलती है। जैसे समझ लीजिए कि सैमसंग की एडवर्टाइजर्स ने बनाई है, कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च हो रहा है, अब आपको पता है कि सैमसंग की एड इस वक्त मार्केट में चल रही है, तो आप क्या कीजिए सैमसंग के ऊपर बनाइए। तो आप सैमसंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो वो एड्स मोस्ट ऑफ आपके ऊपर रोल आउट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अर्निंग होगी वो आपके वीडियो के लिए ज्यादा होगी उस वीडियो के लिए।
तो जिसकी एड मार्केट में चल रही है, अगर आप उसका वीडियो बनाए तो आपकी अर्निंग और ज्यादा अच्छी हो सकती है और ज्यादा निकल कर आ सकती है। सो ये भी ऐसी एक टिप और ट्रिक है जहां पे मैंने आपको बताया कि कौन से प्रकार का या कौन से टाइप का वीडियो बनाए ताकि आपका वीडियो ज्यादा अर्न कर सके। सो ये था बहुत आसान, तो आज ही जाए अगर आपके पास कोई अच्छा तरीका है। और एक और चीज है, अगर आपको एक नहीं आइडिया है कोई कंटेंट बनाने का, कुछ और वीडियोस देख लीजिए अच्छे खासे जो आपको मिल जाएंगे देखने के लिए यूट्यूब के ऊपर ही, और फिर आप अच्छे से सीखिए फिर स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि घाई घाई में आप अभी के अभी ही हर चीज को चालू करने की कोशिश में लग गए हैं। सो पहले सोचिए क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या आप बनाएंगे, अच्छा सा कैमरा रखिए, मोबाइल फोन से भी आप शूट कर सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक लाइटिंग कंडीशन ले लीजिए, कुछ लाइट्स ले लीजिए दो चार, और कैमरा लीजिए, शूट कीजिए अच्छी अच्छी चीजों को और अपलोड कीजिए अपने चैनल पर। एक चैनल बनाए अच्छा सा, चैनल पर अपलोड करें, मोनेटाइजेशन एनेबल करें अपने चैनल पर, और फिर आप उसके ऊपर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आया है, और यस मैं कुछ ऐसे वीडियोज भी आपके लिए लेके आऊंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस क्या होना चाहिए कंटेंट आपका। और चलिए फिर, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें चैनल को एंड हैव अ नाइस डे।